हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। पिछले एपिसोड में मैंने एक वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने ढेर सारा सवाल किया था। वैसे में हम जितने भी आपने सवाल किए थे उन सवालों के जवाब भी देंगे लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करना, स्टार्टिंग में इस पूरे एपिसोड को ज़रूर देखना। बाद में हम आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाले हैं, वो लास्ट में दिखाएंगे। आज हम जाने वाले हैं एक लंबी जर्नी पे। हमने तो कुछ नहीं सोचा था इसके बारे में, लेकिन हाँ, बाद में मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने कहा हाँ ठीक है भाई, तू लंबी जर्नी पे जा करके, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ। आपको फिलहाल मैं सिटी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे जाके आपको एक कल्चरल सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप हमसे कनेक्ट में रहना, कहीं मत जाना। वैसे मैंने स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं सोचा था इसके बारे में, लेकिन हाँ अभी मैंने मन बना लिया है, अभी जाएंगे तो जाएंगे करके, तो बस हम चलेंगे अभी। अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से हम स्टेशन आगे अपने सफ़र को जारी रखेंगे। फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं काफ़ी जल्दी आ गया। ट्रेन अभी काफ़ी लेट है, 4:30 बजे ट्रेन आएगी, लेकिन अभी 3 बजे यहां पर आ चुका हूं, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत घूमेंगे, बाद में फिर से मतलब ट्रेन में तो जाना है। अभी फ़िलहाल मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। अभी दोस्तों फ़िलहाल मैं इस पटरी पर आया था और एक सर था जिसने मुझे बताया कि उस पटरी पे उस तरफ जाना है करके, तो मैं अभी फ़िलहाल उस तरफ जा रहा हूँ। वैसे लोग अक्सर क्या गलत करते हैं यहाँ पे, वैसे ट्रेन स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोग जब भी ट्रेन स्टेशन में आते हो तो ज़रा ज़्यादा ही सब्र से रहना, और अक्सर आप लोगों के लिए पटरी को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, पटरी के बजाय पुल को होकर आपको गुजरना चाहिए, ताकि आप लोग भी सेफ रहें और बाकियों को भी सेफ रहने दें। इससे होता ये क्योंकि जब भी आप पटरी को होकर गुजरते हो, आपको देख के अन्य लोग भी पटरी को होकर ही गुजरना पसंद करते हैं, तो इससे मतलब ज़्यादा एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। उस दौरान ट्रेन भी आ सकती है, आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अभी फिलहाल ट्रेन आ चुकी है, हम ट्रेन में जाएंगे। दोस्तों फ़िलहाल हमें हमारी सीट मिल चुकी है, यहाँ से हम जाएंगे बेंगलोर, और बेंगलोर जाने के बाद और भी आगे जाना है। शाम के 6 बज चुके हैं और वैसे ही मैं बैठा हूँ दूसरी सीट पे आके, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, जहाँ पर मेरा भी सीट है वहाँ पर काफ़ी सारे फैमिली वाले लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि उनको क्यों डिस्टर्ब करना करके मैं दूसरी सीट पर आके बैठा हुआ हूँ। और हाँ, एक बात बताना आपको मैं भूल गया, वैसे जब मैं टिकट बुकिंग करने की ट्राई कर रहा था तो मुझसे टिकट बुक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अवेलेबल नहीं थे टिकट ऑनलाइन पे, तो मैंने सोचा कि यार मुझे जनरल में ही जाना पड़ेगा अभी ट्रेन में करके। तो बाद में जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे जो रिजर्व टिकट होता है वो मिल गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे पे करे, तो टिकट मुझे मिल गया है और बाद में मैं आ गया ट्रेन में। वैसे आप लोगों को पता ही है कि जनरल में कितनी भीड़ रहती है और उस भीड़ में सफ़र कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात रही कि मैं अंत में टिकट बुक कर पाने में सक्सेसफुल रहा। दोस्तों अभी टाइम
10 बजने को है, तो जब ये ट्रेन बेंगलोर पहुंच जाएगी तो मैं दोबारा आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल तब तक के लिए मैं आपको बाय कहना चाहूंगा, तो बाय, सुबह फिर से मीट होंगे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अभी फिलहाल हम भी जग चुके हैं, जिस लोकेशन पे मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पे ये ट्रेन 9:30 जाएगी और हम तब तक ट्रेन में ही फ्रेश हो जाएंगे। दोस्तों अभी फिलहाल हम फ्रेश होके बैठे हुए हैं, अभी जो नेक्स्ट स्टेशन आएगी हम वहीं पे उतरने वाले हैं। और मैंने जैसे आपको वादा किया था, हमारा जो मेन सफ़र है, मेन ट्रैवलिंग सफ़र है, वो वहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो वहीं से हम कुछ बेहतरीन आपको दिखाने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। फिलहाल स्टेशन आ चुका है, चलो हम चलते हैं। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था, मतलब जब मैं स्टेशन में वीडियो बना रहा था तो एक मैडम थी जो पुलिस थी, वो मुझे बुलाने लगी। और जब मैं उनके पास गया तो वो बोलने लगी कि ये स्टेशन में वगैरह ये सब अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, तुम्हें अभी फ़ाइन देना पड़ेगा करके मैडम बोल रही थी। तो मैंने वैसे तैसे करके काफ़ी कन्वेंस करने की कोशिश की उसे, तो मैम बोल रही थी कि 500 फाइन जो है पे करना ही पड़ेगा करके, लेकिन मैंने वैसे तैसे करके कन्वेंस कर ही लिया और अभी हम जा रहे हैं। वैसे ही आप कनेक्ट में रहना। वैसे मैं जब बीजापुर से बेंगलोर आ रहा था तो मुझे यलंका में उतरना पड़ा, क्योंकि वहाँ से देवनहली में मेरा फ्रेंड रहता है और उसने मुझे कॉल करी थी कि भाई कुछ काम था उससे मेरा, तो मैं वहाँ गया देवनहली स्टार्टिंग में। बाद में देवनहली से फिर से मैं मेजेस्टिक गया और मेजेस्टिक मुझे आ जाना पड़ा, मतलब कल मैं अपने दोस्त के पास गया था, आज मैं मेजेस्टिक गया और मेजेस्टिक से यहाँ पर आया केंगेरी के लिए। केंगेरी से फिर से मुझे बस पकड़नी पड़ी बिरदी के बस को, और बाद में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जिसे कहा जाता है कि हज़ाल गेट कहा जाता है। यहाँ से अगर हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पे 12 किलोमीटर यहाँ से दूर कुछ गोर लोग रहते हैं। बीच बीच में ऐसे काफ़ी सारे नज़ारे थे जिन्हें शायद मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि ये एपिसोड ज़्यादा लंबा हो जाए जिससे आपको बोरिंग फील हो। तो मैंने क्या किया, जो बीच में जितने भी नज़ारे मैंने देखा था उन सारे नज़ारों को मैंने मिनिमाइज़ करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो ठीक है, अभी से जो हम आपको दिखाएंगे वो नज़ारे जो है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, तो आप सच में उन नज़ारों को देख के जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको बोरिंग कतई नहीं फील होने वाला है। फिलहाल बस हमें मिल चुकी है और बस में हैं हम, और यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पे हमें गोर लोगों की बस्ती मिल जाएगी जहाँ पे मैं उतरने वाला हूँ, और वहाँ का जो नज़ारा है आपको आगे हम दिखाएंगे। फिलहाल हम बस में से नीचे उतर चुके हैं, यहाँ से चंद कदम दूर या फिर किलोमीटर दूर आप कुछ भी मान लेना, यहाँ से कुछ ही दूर हमें लोगों की बस्ती मिल जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि मतलब कितना अच्छा लगता है जब हम किसी अनजान ट्राइब से मिलते हैं। वैसे ये तो अनजान नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात ये है, मेन चीज़ ये है कि यार
हम अलग अलग राज्य में एक अलग अलग टाइप में रहते हैं, और यहाँ पे बेंगलुरु में मैंने ये सुना था कि यहाँ पे जो बेंगलुरु में लोग रहते हैं, हमारे गौर लोग, वो ज़्यादातर हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वे लोग रहते कैसे हैं। और एक बात दोस्तों, वैसे मैंने सुना था लोगों द्वारा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग सेवालाल महाराज के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते, तो ये काफ़ी बड़ी ही विडंबना की बात है। लेकिन वैसा मैंने सुना था, ये बात सच है इसकी कोई मुझे पता नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ये सब तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा, उन लोगों को मिलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों मैं तांडा में एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पर वैसे मैंने देखा कि ज़्यादातर घर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती है, काम करते हैं, आराम रहते हैं। और अभी मुझे पूरी तरह से एंट्री करना है, और बाद में ही आपको मैं सब कुछ आपको दिखा सकता हूँ। और मैं सबसे पहले यहाँ के सरपंच को मिलने वाला हूँ, और शायद वो कुछ जानता होगा हमारे इतिहास के बारे में, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। मतलब यारी तुम सेवालाल महाराज ने ज़्यादा पूजा करो नहीं? एवढी करे नहीं कोई, मतलब कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा को नहीं छे, ज़्यादा छे नहीं। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में एंट्री की तो यहाँ वैसे कोई लोग नहीं मिले जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हो। वैसे अभी भी हमें ज़्यादातर घूमना है। अभी हम इस तांडा को कहते हैं सिके तांडा करके कुछ नाम है, और वहाँ पर हम आए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ जानकारी इकट्ठा करने की प्रयास भी कर रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे इस तांडे, मतलब यहाँ पे जो अगर कुछ जानकारी मिलेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो हम आगे एक और एक तांडा है जहाँ पर जाने वाले हैं। और यहाँ के लोगों से हमने जब पूछा हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो ऐसा पता चला कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये काफ़ी विडंबना की बात है। अभी फिलहाल हम और भी कुछ दिखाएंगे आपको। अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक भैया से हमने पूछा, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी रहता है जिसका नाम कुछ नागरना है, वो शायद कुछ जानता हो, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और जाके आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा तांडा है, आप देख लेना यहाँ पे बेंगलुरु में कैसे रहते हैं लोग। वैसे हम लोग जा रहे हैं, उम्मीद तो यही है कोई ना कोई हमें ज़रूर मिल जाएगा जो कि शायद कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा जानता हो। नागरना कौन सा घर आगे है ना? तो ठीक है, वहाँ जाएंगे। वैसे ही रहना दोस्त, कनेक्ट में जा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, जब मैंने स्टार्टिंग में इस तांडे में, मतलब इस गांव में एंट्री किया था, तो मुझे तभी कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लोग सच में कुछ जानते नहीं हैं। जैसे मैंने पहले सुना था कि लोगों ने कहा था कि भाई सच में तू जब भी दक्षिण भारत में जाएगा तो वहाँ पर हमारे कल्चरल कुछ भी एक्टिविटीज़ के बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं, ऐसा मैंने सुना था, और वही मुझे अभी आके सच लग रहा है। अभी एक घर में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों ने हमें सजेशन दी थी कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पे लोग कुछ जानते हैं करके। दीपावली
छोटा तो बाइक का आता कल्चरल ऍक्टिव्हिटी जैसे आपण माय पहनावा करायचा राजस्थानी कल्चर चक भूल गेसे एवढी आपण गोर छेनी वाटत असं बेंगलोर नगर जिल्हे गेले असं कम छ ज्यादा काही छेनी मतलब जैसे तमिन मालूम की आपण सेवालाल कोण केता ने सेवालाल मालूम आहे गुडी फादर जो सेवालाल सेवालाल लकीसा बणजारा जैसे वचक मालूम लकीसा बणजारा कोण येतो बणजारा मालूम छे वो भी आपनो एक गुरु गुरु जानो बट उतर अत्र डीपेते मालूम छे ने कोण ले सेवालाल मालूम मरियामा मालूम मतलब आपण कल्चरल ऍक्टिव्हिटी बघे एवढी माणसे ना ज्यादातर मालूमच छे बिल्कुल भी मालूम छे बेंगळूर साइड केनी भी मतलब बेंगळूर साइड तांडा भी ज्यादा छे छे ने सरत एक 10 15 20 घर छे अदरा मोटा तांडा रहतो मत कल्चरल प्रोग्राम से वैसे चाले छे ओडिसा का 10 15 20 तांडा में 20 25 छे यात्रा छे यात्रा पॉपुलर छे ने दावणगिरी घेतो ना भी माणस घेते मन दावणगिरी सम माणसे आपण कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज वगैरे करत आणि वैसे उन्हून इतिहासेर बारे में भी ज्यादा मालूम छ हां वो मन के रहते की मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ थरसे दाड़े करो मैं के होना ना जरा वो के की ठीक से भैया तू बेंगलुरु तो जा रहा हूँ पर अपन बेंगलुरु में जैसे कि हमने मालूम छ बेंगलुरु में माणसे अपन कल्चरल ऍक्टिव्हिटी बगे ज्यादा मालूम छे नहीं जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा जैसे ही मैंने उस भैया से पूछा एक आदमी से पूछा तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर इन कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में हो या फिर ऐसा कुछ इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर मतलब सिचुएशन काफ़ी अजीब है जैसे गोर लोग होकर गोरों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो अजीब तो लगता है लेकिन हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम उन्होंने बताया कि आगे और एक तांडा है जहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं वहाँ पर जाके पूछो करके उन्होंने बताया तो हम फिर से वहाँ पर जाने की प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे कोई अगर ऐसा इंसान मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे ये तांडे में अपन कोई डाउट कुण ताणे में वो ताणे में गिरो जाए वो ताणो कोनी वो बोडिया बोडिया पाड़ा वो अच्छे जी को ताणो अत्यक नागणना करन वे तो वो गिरो जाए ताणो वो ताणो वो ज्यादातर मानन छ गए वो ने वो नागणना करन बाप और बाप कायलो पड़ो छ और अज्जे को काका कज को गोपाना कर वाते कर छ मा वाते कर छ गए ऐसे वो मालूम छ अपन इतिहास से ज्यादातर गोप गोपाना का कुण को कहता नारायण नारायण पक्को करन के चातो वो दावा आदमी से बात अब ये तांडे में कोई हनु ये तांडो सी नियम है बागी हाँ। और मंटी करे हाँ। सी के तांडे अच्छे वो ते 50-100 खर्च हाँ। सी के तांडे तो वो करे कल तांडे वो सी के तांडे हमारा तो तो थोड़ा बहुत अजीब लगी कि ज्यादातर मानसे ने यहाँ अत ये पता छे अपन गुरेर ज्यादा कहीं मालूम छे कल्चर कहीं से मालूम छे जैसे अपन राजस्थानी कल्चर अपन जो पहनावा करे अपन बुढ़बुढ़ मानस जैसे मैं याडीन देख रहा हूँ कि हाई जर याडी री कहीं वह से मिल सको हमारे साथ कहीं करत है पामड़ी पेरत है घाघरा पामड़ी हनु पेरत बलिया हाँ अत चूड़िया घालत है वो चक करत है पण अत छे नी से छोड़ दी कहीं कहीं छे चक कोई पेरे कोनती तो छोड़ दी ने हां कुणसी ताने में पेरे नी कोनी बेंगलुरु में योडी बेंगलुरु में पेरे नी अति को आगाड़ी पेरते थे अब से छोड़ दी ने से साड़ा से दिखित्रा साड़ा पेरे हां तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां की सिचुएशन क्या है हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पे और भी वो काफ़ी सारे तांडास है जहाँ पे हम आपको जाके दिखाने वाले हैं आप देख लेना मतलब हम वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं वैसे हमने इनसे गोर बोली में ही बात की अभी आगे जाके आपको और भी ढेर सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं तो वैसे चलो हम चलते हैं तो योडी मानसेन काही मालम छ या फिर मालम छे अपन जैसे अपन कल्चर अपन गोरे में काही करत छ जैसे मैं याडीन देख रहो छु सर दोस्तों वहां पर आप देख सकते हैं वैसे हमारे कल्चर में लोग क्या करते हैं असल में जो चूड़ियां घाघरा चोली इन सब का पहनावा होता है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा यहां पे तो इसे अंदाज़ा लगता है कि
हमारे जो गौर लोग यहाँ पे बेंगलोर में रहता है वो हमारे कल्चर के बारे में, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। वैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर घूमते घूमते टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आप देख सकते हैं। वैसे मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ है यहाँ पे, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे मैंने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी लोगों से, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। वैसे लोगों के मैंने ये भी बात पूछी कि क्या इन तांडाज में जहाँ पर आप लोग रहते हो, क्या कोई इतने बड़े व्यक्ति है जो कि हमारे एक गौर के बारे में कुछ जानते हो करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं मिला मुझे। इन लोगों से जब मैंने कुछ पूछने की कोशिश करी तो मुझे यही पता चला कि वे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं और इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। वैसे मैंने कुछ लोगों को ये भी पूछ के देखा कि भाई क्या सेवालाल महाराज के बारे में जानते हो, जो हमारे गुरु है, क्या लक्की साहब बंजारा के बारे में जानते हो, जो हमारे और एक अहम गुरु है। तो नहीं, कोई लोग नहीं जानते हैं। अभी फ़िलहाल हम आगे के सफ़र में फिर से आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके और आपको अच्छी जानकारी दे सके।